हे भगवान पाप के आगे यो धर्म बिचारा डरे गया क्यों अरे और चीज ते इतनी चढ़ गई मनुष्य कर्म ते गिर गया क्यों हे भगवान पाप के आगे धर्म बिचारा डरे गया क्यों अरे और चीज ते इतनी चढ़ गई मनुष्य कर्म ते गिर गया क्यों पहली बात में बताया कि आज की मारी है माता बाण जावा बाबा तो रे संकट कुटवान कोटी सुती होवा इन को बाबा संकट काटिए रे बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मार रहे थारे कितने संकट काटेंगे पहली बात में कवि ने के दर्शाया के लिखा नेम धर्म मर्याद छोड़ के नेम धर्म मर्याद छोड़ के कौन दिशा इंसान चला बाबा जी का चोला पहरा बन के ने शैतान चला पर की खांड की रकरी लागे चोरी का गुड़ खान चला मात पिता तगर में बैठे बेटा गंगा नहाने चला तिरते देखे थे मन लाकड़ तिरते देखे थे यो लोहा जल में तिर गया क्यों हे भगवान पाप के आगे धर्म विचार डर गया क्यों अरे और चीज ते इतनी चढ़ गई कर्म ते गिर गया क्यों हे भगवान पाप के आगे समाज में तीन चार चीज है जो किसी का भी काम नहीं आवे कौन कौन सी आराम की कमाई बागेड़ी लुगाई पुलिस और सिपाही नेता किसी भी कभी काम नहीं आओ कोई अजमालियो और नेता का वोट पड़न तो पहले और डाल का मुंह पाओगा बेचारा हर पड़ते और डाल का हो जाएगा पहला तो जब काम में वोट मांगना होगा कोई मिल जाओ सीधी पैरा में दूड़ मारेगा काका राम राम चाचा राम राम तेरे बालक सा ध्यान रखे एक बार जीत जाओ फिर आगे गाड़ी पीछा गाड़ी आगे कमांडो पीछा कमांडो और बीच में नू धोड़ा कुर्ता पजामा नू चोड़े हाथ में नू चालता होगा जनू दो दिन हो गए धार का डेसी दाए चौपाइट में और फिर तमने कोई काम पड़ जाओ उस तब मिलन जाओगे आगे संतरी खड़ा पाओगे उस तो बतानी पड़ेगी कि भाई न्यू न्यू फलाने फलाने काम तारे हाँ आख्या बस हो ही फिर जाएगी पिछाने को ना फिर उसने बताओ कि भाई माजरी गाँव में 1,00,000 रुपये की माला चढ़ाई थी फिर आड़ा हाथ लाओगा नहीं कोई जान पिछाने में वो सब्जी आड़ा सब्जी बेचे एक 21 साल की छोरी गई जाके बोली भाई ये आलू के भाव हैं सब्जी वाला बोला दादी 20 रुपया किलो लेकर चली गई थोड़ी देर में एक 25-21 साल की छोरी गई जाके बोली भाई ये टमाटर के भाव हैं बोल दादी ये हैं 15-25 रुपया किलो वह भी लेकर चली गई अभी 80 साल की बूढ़ी आई कोई देर में हलती हलती डोगा लेकर आ कनुक भाई ये काकड़ी के भाव हैं वो बोला दादी ये हैं 10 रुपया किलो वह भी लेकर चली गई अब एक बुढ़ा बैठा बैठा देखा वो सब्जी वाले ने उसने वो सब्जी वाला बुलाया नुको रामखोर नुक आता हूँ नुकाडा बाज का गया बोले आता हूँ के बात बोले रामखोर एक बात बता मैं तो ना कई देर तक बैठा बैठा देख रहा हूँ ये काल की 10-15-20 साल की छोरी ये भी तेरी दादी अन्ने भी दादी कह रहे था अरे 80-80 साल की बुढ़ी ये भी तेरी दादी कह जुगाड़ है वो सब्जी वाला बोला था वो देख बात इसी है मन न पड़ी सब्जी बेचनी सी ना मेरी ना लागी साड़ी भी तो वो स्वार्थ के वशीभूत वाला काम है दूसरी बात में बताया जो समाज के ठेकेदार बने बैठे उनके बारे में कवि ने के लिखा के बता दिया दिया।
जोड़ के कहूं सनी जी, हाथ जोड़ के कहूं सनी जी, मेरी बात ना ओली से। और जीव बंदे मर्यादा में मानव के ना डोली से। पापुर पुनने समझे फिर क्यों सहम गाल रहा कोड़ी से। सत्तर दाग लगे काया में तेरी फिर भी चादर धोड़ी से। घर में तो घूट मार फिर रहने घर में वो कह नंगा फिर जा क्यों ये भगवान प्राप्ति आगे विचार तेरे जा क्यों अरे और जीव ते इतनी चढ़गी गर्भ से भी जा क्यों ये भगवान प्राप्ति आगे अंकल जी शोराम भगत जी गंडाला गांव से मेरे गुरु जी के बहुत अच्छे परम मित्र हैं। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। अगर रागनी आपने भी ठीक लग रही हो तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दो। तीसरी कली रागनी की सुनाओ, उससे पहले मेरे चुटकुला याद आ गया छोटा। एक बार एक सारे गांव की सासू इकट्ठी हो गए हरिद्वार गंगा नहान जाती। अब रास्ते में सिस्टम ईशा बैठा, अगवा सासुआ की पलट पट बस पलट गई, सारी सासू मर गई। अब सारे गांव की बहू इकट्ठी हो रही, रोन लाग रही, हुई हूँ माच रही, एक आधी सच मरो है, एक आधी ताई वर की झूठाई थूक लगा रही, सारी रोवे, सारी रोवे, एक बहू सब तक घना रोवे, सारी 2 घंटे रोक चुप होगी, वह एक चुप ना हुई। अब उसके बगल वाली बहू उठ के उसके दौर जा गए, नुकाए बाण, सासू तो मारी भी मरी है, तेरी सासू के सोने की थी तू चुपी ना होती। वाह बोली बाण मैं नू ना रहू, मेरी सासू मर गई। बोले और बोल मैं नू रहू सु मेरे लिए घर छोटा उरा लिया तिवे की बरांद कट जाते नू भी नहीं बेरा पाटता कौन क्यों रो है। पंडित दादा लक्ष्मीचंद ने एक बात कही है कि मरे पे वो आदमी ज्यादा रोगा जिसने जितना 32 स्वारत हो उस आदमी तक। तीसरी बात में बताया किसे मित्र प्यार हो गए, किसा यारा ना रह गया, के दर्शाया कैसे के दर्शा दिया। आज स्वार्थ कारण करें दोस्ती, स्वार्थ कारण करें दोस्ती, उसने सच्चा मीत कहे, ये कह देना जो कमा के खाना उसकी अच्छी नीत कहे, मेरे मानस पे जेली ताने उसने ये रणजीत कहे, हाथ जोड़ के राड बुझा दे बुझ दिल और भयभीत कहे, लोहा ले गया जगे लाल की, यो लाल रेत मजर क्या क्यों ये भगवान आओ प्रोग्राम करन चले गए धर्मशाला में डांट दिए। अब गांव में तो एक बूढ़ी ने अपनी पोती भेजी, नुक बेटी जा भजनिया तेन कह दिए खाना खा लेंगे। अब 5-6 साल की छोटी सी पोती आई आके गुरु जी तेन अंकल जी मेरी माँ ने नु कही खाना खा लो। अब गुरु जी ने उस तेन कह दिन ना हम अभी खाना नहीं खाते, हम अभी व्यायाम करा। हाँ अब 5-6 साल की छोटी सी छोरी बेचारी के जाना व्यायाम क्यों, याद करती जानू को भजनी व्यायाम करें है व्यायाम करें, रास्ते में खेल में लाग गई व्यायाम भूल गई। अब उसकी माँ ने बुझी नुक बेटी भजनिया तो कहिया ही खाने की, नुक माँ भजनी खाना खूना नहीं खाते नु क्यों, नुक भजनी तो ब्याह हुए हैं। अब ताई भी कितनी बोली नुक रे थारा नाश जा भजनी हो, अब मैं अपनी गीवा की लावनी करूँ बाप खड़ा थारा जापो का डू चले कोई सब्बा जब बुझे वाला ब्याह पड़ा होगा, इतना बोला जमाना हो गया। आखिरी रागनी कभी ना निचोड़ कर दिया
नु परमात्मा ता मिलन का न्यू नी गणा फंड रचेगा न्यू बसम रमारा द्रा खुडावे गणी पूजा करे गणा मंदिर में ताला बजाओ वो भगत नहीं होया करता सच्चे दिल तक 5 मिनट परमात्मा का स्मरण कर ले उसमें बेड़ा पार है आखिरी बात मैं कवि ने न्यू बताया कि उस परमात्मा ता मिलन का सीधा रास्ता है लेकिन वो ब्रह्म रूप ते दिखेगा ब्रह्म रूप कब जागेगा जब तुम सच्चे मन तक भगवान का ध्यान करोगे आखिरी बात में निचोड़ कर दिया कवि ने के दर अच्छाई एक बुराई मिल आदम दे के मां फंस के ज्ञान बिना वा खुले नहीं जो मन पे गांठ लगी कस के बोए जिसे काटने होंगे रोके काट जाए हंस के अगत की खातर श्री देवी दत्त के अगत की खातर तन राम बजे बिन सरगा क्यों भगवान बाप दे आके धर्म विचार तेरे जा क्यों अरे वो सिर ते इतनी सरगी करम ते गिर गया क्यों हे भगवान बाप के आके धर्म विचार तेरे जा क्यों भाई जोरदार ताली अगर रागनी अच्छी लगी